Police ni kurung kai da apu da yung pan sa yun ta ta ba ya ya lam guni ta mai ta ba yun ni ati kan da ni ati ba pa li sa yun ti. Ta biya ti wang zang wa ya bil ni wang zang wa ya ta ya pun bi ta yo mi na ma pa ya. दर जी अगर मेरी तरफ से कुछ होगा तो मैं जरूर करूंगा आपके लिए। यो मीना मा तो उन तो प्योर दौरी अतब यो मीना मा पे तब लिया ये हमारा गाड़ी पर तब पुलिस तब पर तो तब कु तो उन घुस खाए ना तो तब जेल पांच दिन हुआ थे। हाँ सर, अरे तो वही है ना, नहीं आप क्या बोल सकते हैं ना, तो मेरे गाय में अब लोग तब ध्यान ही तो उस सरकार दर अमर प्योर तो ध्यान ही दे पेंशन अता लोड़ी तो मेरी मामू ने भी आवाज़ तो यो चौल पोचल ठीक है ता ता ती लोड़ तो बार बस ऐसे ठीक 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 अच्छा और स्वर बार कुछ नहीं जाना को ना लोड़ तो मेरे सब मामू ने करी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज फिर एक नया दिन और एक नई सुबह और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है फेगू गाँव। अभी फ़िलहाल हूँ मैं रोड पे खड़ा और ये आपको बता दूँ कि ये गांव वालों की रोड है, ठीक है। ये गांव तक आती है सीधा रोड और रोड के ठीक सामने पे दुर्गा माता का मंदिर है। तो गांव का रास्ता कुछ ऐसा है और रास्ते के ठीक बगल पे ही दुर्गा माता का मंदिर है। तो सबसे पहले हम यहाँ के गाँव को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ के टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल अभी मंदिर बंद है तो सबसे पहले मैं गाँव को एक्सप्लोर करूँगा, शायद से उस टाइम तक पंडित जी आ जाएँ। तो फेगू गांव स्टार्ट हो चुका है, ऐसा कुछ है फेगू गांव। तो लगभग ये गांव काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और कहते हैं कि सब घर एक साथ नहीं है, अलग अलग काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। और ऐसे में भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है पूरे गांव में घूमने में। अभी फ़िलहाल मैं और ऊपर साइड जा रहा हूँ, ये देख रहे हो जो रास्ता जा रहा है मेरे यहाँ से, तो ये रास्ता काफ़ी नीचे से आ रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखो मैं काफ़ी, ये देख रहे हो वहाँ पर मंदिर है और मैंने वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट की थी और वहीं से गाँव भी स्टार्ट होता है और लगभग गाँव काफ़ी ऊपर तक फैला हुआ। देख रहे हो यहाँ पर घर भी हैं, इस साइड भी है और उस साइड भी हैं। और ये पानी दारू जी, अगर कभी भी अगर आते हो तो पानी पी के जरूर जाना, ये गड़बड़ी पानी जो। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे साइड क्योंकि मैं लगभग काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। अब मैं नीचे गांव के नीचे साइड जा रहा हूँ और आपको नीचे से पूरा गांव दिखाऊंगा। और ऊपर साइड का जो एरिया है वो कुछ ऐसा है, देख रहे हो आप, लगभग यहाँ पर 15-20 परिवार रहते हैं इस जगह पर। और 15-20 परिवार नीचे साइड रहता है जहाँ से मैं आया हूँ, ऊपर साइड पूरी खेती है गांव वालों की, ये देख रहे हो आप। और ये दूसरा रास्ता है, जिस रास्ते से मैं आया था वो लगभग उस साइड है, उस साइड से आया था मैं और यहाँ से एक रास्ता निकलता है, ठीक है। ये भी गांव को तरफ गांव की तरफ जाता है नीचे साइड। और ये देख रहे हो आप, ये गाँव के बिल्कुल ऊपर साइड बोलते रहे, बीच में गाँव के बीच में शिवालिक है, नीचे दुर्गा माता का मंदिर है और ये शिवालिक मंदिर है, महादेव का मंदिर है। तो शिवालिक के ठीक ऊपर पे ही दादी जी का घर है, ये दादी जी का घर है, देख रहे हो आप, ऐसा कुछ है दादी जी का घर। और दादी जी ने गेहूँ सुखाने के लिए रखे हैं यहाँ पर और दादी जी ये काफी खूबसूरत सी है दादी जी। दादी क्या था? और दादी खानो पीने नहीं बनी आपको? खानो पीने नहीं बनी? कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी गोमा के चूनो कुछ फुलवान में ला क्या काम गोमा लुआ बुलाना भी नहीं, क्या काम कर बुलाना भी नहीं के लिए आपको जमाने में बुलाने यार बुदा दे दम दा। अरे मैं कहने की तुम्हें बुलाना तो चिंता के करना अब यो को ना करा संत
अरे तो काम से तब यमो काम हमारा है ये तब बोला है असली मेरे अड़गर भी मेरा जो बोला ना था पुंगला पुंगला कर हैं तुम्हारा पुंगला तो मिकर दन यमो लोग आता लोग ता दिन है लोग तो दिन है लोग ता दिन है जरूरत है ना जमीन में सब कुछ है नहीं लोड़ा लोड़ा का सिंधु मरा लोड़ा तो ना आंक तो दी काटे आंक मार पड़ा तो बिल्ले से साथ जो ये सुन जर से गयों पिशानी आपके मो लोड़ा तो मेरे काका ही और लाड़ी छोल ते मैंने अमर छोल वो कर मारे अरे लोग उन मले और कम अच्छा यो लोड़ी तो मेरी हाँ लोड़ी तो लोड़ी लोड़ी तो हाँ तुम्हारा ख्याल को रोक दो ख्याल को रोक दो ख्याल तुम्हारा ख्याल को रोक दो ख्याल ख्याल हाँ मतलब तुम्हारा एक देखो कर दो तुम्हारा तुम तो देखो तो कुछ ही हो देख जो रो बाव का तो लोड़ी देख दे मेरी अच्छा लोड़ी देख दे लोड़ी से लोड़ी ती को ता अपन लोड़ी देख दे अच्छा बड़े बात है भाई अच्छा जो जो सु कहां है तुम्हारी ये दर मिले ने असा लोड़ हुए असो बाव मोरी तबार में मैं तेन पा मैं तेने बेटे ब्याह मैं तेने लोड़ पड़े तो मैं तेने बरेली दौरी मैं तेने लखनऊ ले आ तो उम्र दमारी तब उनके माटो वालों ने बोला यूँ में तो ताला ठीक नहीं हुए जा ठीक नहीं हुए कुछ नहीं हुए ठीक 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 तो ता कुछ नहीं हुए जेल नहीं हुए पांच नहीं हुए या तब तो जा यूँ में वो मित इजा था लेकिन और जा यूँ तब यूँ तमारी और तो मम्मी सन इस सन ध्यान हम ये लोग मारे हैं दादी जी कह रही है इनका एक लड़का था अभी इनकी लड़की है जो उनका ख्याल रखती है मतलब इनकी मदद करती है यहाँ पर खेत कूद वही करती हैं और वही इनका ख्याल भी रखती हैं इनका जो लड़का था शायद से उसका मर्डर हुआ है मतलब हत्या की गई है उसकी अच्छा मारा है उसको ना एक ही लड़का था इनका उसको मार दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं जिसने मारा उसको कोई कार्रवाई नहीं अब पता नहीं क्या सीन हो मुझे नहीं पता हाँ तो घूस खाए तो हमारे पहाड़ में ना सबसे ज़्यादा चीज़ यही होती है भाई आपको पता है हमारे उत्तराखंड में पहला स्थान पर चल रहा है घूस के मामले में सभी लोग जानते हैं मैं क्या सभी लोग जानते हैं यहाँ पर अच्छी खासी बात दब जाती है कुछ नहीं हुए तो नहीं घूस नहीं खाया मतलब उन छो जान छो तो मतलब गढ़वाल में के हत्या का आम बात है नी ना तो मेरे गाय में अब लोड़ा दा विद्यानी तो सो सरकार दा अमर पियाटो तो जानी दी पेंश अता लोड़ी तो मेरी मामो ने ब्याव तो यो छोर पुछल ती कहता तो ती लोड़ तो बार बस सुन ठीक 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 अच्छा और छोर बार कुछ नहीं जाना को ना लोड़ तो मेरे सब मामो ने करी अभी खान पीन आप आपकी लड़की कहाँ है लड़की अब आपको कह रहा हूँ तब तब लोड़ी का तुम्हारा लोड़ी लोड़ी पूरा दूँ ही था अच्छा दूँ ही था और अनिता सीना कर दिया रे दोन अच्छा खाना खोलो अब आ कैन बोलो तुम नहीं बोलो मैं बोलूँ ना ये इसमें बोलूँ हाँ हाँ पार्सी नहीं रहे तो लकड़ी माँ का रही तब लुआ ली करें अच्छा या मो भी टाइम भी माती अच्छा अच्छा तब बारे बार सो माँ तो आप आज आप कोई सों का नहीं बिलेस पे सार तो बाव कमर पड़ा तो देखा आपने ये हमारी पहाड़ की स्थिति है और मैं फिर यही कहूँगा काफ़ी लोगों ने यही कहा था मेरे को कि गांव में घूमकर एक ही गांव एक जैसा होता है मगर मैंने कहा था ना कि भाई हर गांव के हालात अलग होते हैं और हर किसी पर परेशानी बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं भाई कुछ चीज़ें ऐसे जो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है और मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों तक पहुँचे कि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है ठीक है हम लोग सोचते हैं काफ़ी लोग नीचे वाले सोचते हैं कि यार ये देवभूमि है यहाँ पर पता है यहाँ पर देवभूमि तो है यहाँ पर मैंने ये नहीं कह रहा देवभूमि नहीं मगर यहाँ पर देवों वाले काम कुछ नहीं होते यहाँ पर सब ज़्यादातर राक्षसों वाले काम होते हैं इस जगह पे यहाँ पर किसी का हक मारना यहाँ पर नॉर्मल सा है हमारे पहाड़ में ठीक है घूस खा के किसी बात को दबाना नॉर्मल सा है इस जगह सभी लोग जानते हैं भाई मैं भी इतना बड़ा हो गया हूँ मैंने छोटे से ये चीज़ देखी है इसलिए मैं हर गाँव में जाके हर चीज़ देखता हूँ यही मेरा एक मकसद है कि हर गांव के हालात देखूं मैं हर गांव के अब मैं आप लोगों तक वो बात पहुँचाना चाहता हूं बस और कुछ नहीं ठीक है दादी जी अगर पुलिस पाँच छः दिन तक तब भाई आई लम्बू नहीं तो मैं तो भाई उन्हें अच्छे खानदान आते भाई
पहाड़ी से थी। हाँ। तो बेटियों जाऊँ है, बिल्लियों जाऊँ है, तो अपन भी तब यौम ही ना वहाँ पर। दादा जी, अगर मेरी तरफ से कुछ होगा तो मैं जरूर करूँगा आपके लिए। यौम ही ना वहाँ तो उन तो प्योर दौरी तब यौम ही ना वहाँ पर तब लिया ये हम गाड़ी पर तब पुलिस तब पर तो उन घूस खाए नहीं तो जेल पाँच के नहीं हुआ थे। तो ये देख रहे हो शिवालिक, और यहीं ऊपर पे दादी जी का घर है जहाँ पर मैं बात कर रहा था। खेतों के ठीक बगल पे दादी जी का घर है। अगर इस गांव की खेती की बात करूँ तो यहाँ इस गांव में सभी चीज़ होती है। पूरे गांव को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आपको बता दूँ कि गाँव की स्टार्टिंग पर ही दुर्गा माता का मंदिर लग जाता है, और रास्ते के बगल से ये गेट आता है, जूते उतारते अपना, और ये है दुर्गा माता का मंदिर भाई। तो ऐसा कुछ है दुर्गा माता का मंदिर, देख रहे हो आप। ये देखो भाई, तो फिलहाल पंडित जी है नहीं यहाँ पर, और दर्शन भी नहीं हो पाएंगे माता के क्योंकि इस समय पे गेट बंद है। तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि कैसा मंदिर है दुर्गा माता का। तो ऐसा कुछ मंदिर है, एक गेट वहाँ पर है ऊपर आने के लिए, और एक गेट ये है अंदर आने के लिए। इस गांव में दो गेट हैं, दो द्वार हैं मंदिर में आने के लिए, रोड से भी है और गांव के रास्ते से भी है। कुछ मालूम होगा मंदिर के बारे में, मंदिर कब बनाया गया था, कब से मंदिर इस जगह पे है। मंदिर तो आज क्या बनाया, दुर्गा माता का मंदिर कैसा है यहाँ पर? मंदिर है ना। हाँ हाँ, ये आप रूपी है, है? आप रूपी बना हुआ। अच्छा, अपने आप ही बना हुआ है ये? अच्छा ये, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जैसा ये है ना। हाँ हाँ, अच्छा। तो आप मुझे बता, इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हो, स्टोरी कुछ कुछ कहानी कि मंदिर कैसे यहाँ पर आया, कैसे प्रकट हुआ, कुछ चीज़ बता। आया प्रकट हुआ तो वो तो समय से, हमारे समय से तो पहले की बात है। अच्छा, आपके समय से पहले से बना हुआ है? न जाने कितने साल पुराना बना हुआ है, कोई नई वाली बात नहीं, बहुत पुरानी है ये। दुर्गा माता का मंदिर है ना, दुर्गा माता। तो दुर्गा माता के बारे में कुछ बता सकते हो कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मंदिर मतलब किसी कारण से। तो दुर्गा माता ऐसी चीज है, दुर्गा माँ और केदार बाबा, ठीक, वो जैसे शिव पार्वती हैं क्या, ऐसे ही शिव वहाँ है तो वैसे ही अंदर भी होगा, शिव और पार्वती एक ही पत्थर में होंगे अंदर अंदर अंदर, ठीक। तो आज की बात नहीं है, वो तो काल की बात है। वो पत्थर जो है कि ये आज कल नहीं आया वहाँ, न जाने बरसों पुराना है वो तो, पर दोनों की फोटो उसी पत्थर पे है। अच्छा, उसी पत्थर पे, शिव और पार्वती, ये विशेष मतलब यहाँ दो मुखी वाला पत्थर है। हाँ, पत्थर एक ही है। हाँ, दो मुख है मतलब शिव और पार्वती, पर फोटो जो होगी वो दो होगी, दो होगी। अच्छा, ठीक, पार्वती और शिव, तो ऐसा ये सब है वो अंदर। हर मंदिर तो आज क्या है ना, मंदिर काल का बना हुआ है तो हम भी नहीं जानते हैं कि कब इसकी क्या हिसाब हुआ और कब क्या हुआ। वैसे ये तो ये फिर है वो जगह ही है, हैं, जब कोई बार त्यौहार आते हैं तो दुर्गा माँ ऊपर जाती है जगह में। अच्छा, वो वहाँ मायका बताते हैं इसका। अच्छा, दुर्गा का माता का मायका है वहाँ पर। वहाँ पे गांव का नाम क्या है? जगह यहाँ से कितना दूर है? वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऊपर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, वहाँ पर तो ये जो है कि कभी भी आता है, बार आता है, देखता है, एक बार तो वहाँ जाना है, जाना ही। अच्छा अच्छा, ठीक। फिर वहाँ पे अब कुछ दिन बाद फिर आने वाला नवरात्रों में आता। अच्छा, नवरात्र बाहर आता है। तो ये देख रहे हो, ये दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ पर सामने पे, और यहाँ पर कोई भी चीज़
अलग नहीं लगाई गई, ये पहले से काल से ही ऐसे मंदिर है। हाँ, इस पे कुछ काल, हाँ काल से ऐसा मंदिर है ना। हाँ, तो इस मंदिर पे कुछ भी काम नहीं किया गया है फिलहाल के लिए। ये चद्दर चुदर देख रहे होंगे नहीं लगाई गई है, मगर जो इस पे लकड़ी का काम देख रहे हो और ये पत्थर वाला काम देख रहे हो, ये काल से ही है, पहले से ही है, काल से ये पहले से ही है ना ये मंदिर। अब हम मंदिर से नीचे आ गए हैं और अब जा रहे हैं रोड की तरफ। रोड के ठीक सामने पे ही दुर्गा माता का मंदिर है और मंदिर के ठीक नीचे पे गांव की प्राइमरी स्कूल भी है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले गांव में। ओके बाय, टेक केयर।